प्रॉपर बाय, लेकिन आप समझो कि कौन से टाइम फ्रेम में बाय सबसे पहले आई थी। मैं इसे यहां से हटा दूंगा, अब यह जरा चेक कीजिए कौन से टाइम फ्रेम में सबसे पहले इसकी बाय बनी थी। एक मिनट में, एक मिनट पे इसको मैं हटा देता हूं और चलते रहने दीजिए। अब मेरे को ये बताइए, क्या अब मैं अलाउ मेरे को करता है ये कि मैं 15 मिनट में जाऊं? यस या नो? कर रहा है क्या? मैं नहीं 15 मिनट तो में जाके चेक कर सकता हूं? अभी वैसे क्लोजिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एटीआर और बाकी सारे पैरामीटर के ऊपर मेरे को बाय दिख रही है, एटीआर के, पीओआर के और इसके, राइट है? अभी एटीआर आपका क्या हुआ? ग्रीन नहीं हुआ। वेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत और या नहीं? थोड़ा बहुत और वेट कर सकते हैं? तो अगर मैं देखता हूं तो मैं जरा सा वेट और कर सकता हूं इसके ऊपर जाने का, राइट है? थोड़ा सा और वेट करते हैं, और जैसे ही कैंडल ये ग्रीन करेगा तो मैं एंट्री कर सकता हूं इसमें अभी। हालांकि बाय तब भी इसके ऊपर है, लेकिन आपको सबसे पहले बाय कहां पर मिली? 1 मिनट में बाय मिली या नहीं मिली आपको? मिली। एक यस मिनट आपको क्या बोल रहा है? 1 मिनट अभी आपको बोल रहा है कि आपको निकलने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल रहा है। कब मैं निकलूंगा इससे, इस पूरे सिस्टम से निकलूंगा कब मैं? ये देखो पिवोट के नीचे आए मार्केट, इन उससे पहले इनके नीचे आए, सबके नीचे आएगा तब तो मेरा सेल होगा या नहीं? अभी तो मैं बाय में बैठा हूं, इसके ऊपर मेरी बाय बन जा रही है। देखो ये पिछले दिन का हाई है और मार्केट इसके ऊपर फुल फ्लेज बाय में वैसे भी आ जाएगा। अब ये कैंडल यहां ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए 1 घंटे की या नहीं? अभी 10 बज रहे, अगर मैं घंटे भर की कैंडल बोलता हूं कहां क्लोज होनी चाहिए? इसके ऊपर ही, वही हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये कैंडल यहां क्लोज हो जाए तो क्या होगा? क्लोज तो दोनों जगह हो सकती है ना। बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम क्या करेंगे, राइट? तो मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मार्केट में कहां पर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी? अच्छी क्लोजिंग हाई के ऊपर। हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग चली जाएगी तो मेरे लिए अच्छा है वहां पर। तो हमने पूरे 1 घंटे में क्या देखा मार्केट? मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि यहां पर 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मार्केट अपना ऊपर बाय बना के बैठा है, मतलब आपकी रेड मार्केट खुला ऊपर है मगर रेड कैंडल है, राइट है? अब दूसरा क्वेश्चन, मार्केट खुला नीचे है, मार्केट खुला नीचे है मगर ग्रीन कैंडल, राइट है? और पहला वाला मैंने पूछा था मार्केट खुला ऊपर है सपोर्ट के मगर रेड कैंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, मार्केट खुला ऊपर है मगर ग्रीन कैंडल है, और मार्केट खुला नीचे है मगर रेड कैंडल है, दोनों में फर्क क्या है? क्वेश्चन समझे मेरा? ये सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोचने के लिए क्वेश्चन है, राइट है? आंसर करके मेरे को बताना इनमें क्या होगा। मार्केट सपोर्ट के ऊपर खुला है मगर रेड कैंडल है तो क्या करना चाहिए? मार्केट सपोर्ट के नीचे खुला है ग्रीन कैंडल है तो क्या करना चाहिए? मार्केट सपोर्ट के ऊपर खुला मगर ग्रीन कैंडल है तो क्या करना चाहिए? मार्केट सपोर्ट के नीचे खुला और रेड कैंडल बनाए बैठा है जैसे अभी बनाई थी तो क्या करना चाहिए, राइट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, और आपको इन्हें थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ेगा। अब अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर देता है तो मेरी इस एचडीएफसी स्टॉक में बाय निकल के आ जाएगी या नहीं? सर निकलेगी। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हमारा सिंगल सेटअप पे हम काम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं यस सर सर आराम से हो आराम सकता से है। मैंने आपको एक सेटअप पे काम करके दिखाया है कि अगर मैं एक ही सेटअप रखता हूं तो क्या मेरा फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा या नहीं? वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री ली और मार्केट शूट कर जाएगा, हो सकता है मेरे को उसकी जगह पर थोड़ा वेट करना पड़ जाए। तो अभी हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ पर एचडीएफसी के कुछ स्टॉक लिए और उसने हमें प्रॉफिट भी दे दिया कि नहीं? प्रॉफिट दे दिया। आप एक बार बताओ क्या हम इसे चलने दे सकते हैं सेटअप को? अगर मैं नहीं इसे चलने दूं या रोक दूं, बताओ क्या करना चाहिए? चलने चलने देना चाहिए। तो हम ये आप क्या करो, यहां पर एक छोटा सा काम करना, आप लोगों को क्या काम करना है कि अगर मार्केट चूंकि अपने बाय सेटअप पे है तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है कि नहीं? यस जा सकता है। तो अब अपने अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर सपोज 500 स्टॉक थे और मैंने अगर अपना प्रॉफिट ले लिया है तो मेरे को एक छोटी सी क्वांटिटी इसमें डाल के छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? अब जाते रहो जहां जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लो। यस सर
आप देखो अगर मार्केट को मेरा अराउंड 170 का प्रॉफिट है, 170 का, अगर मैंने 10 स्टॉक छोड़ दिए तो इसको कितने पॉइंट नीचे आना पड़ेगा नीचे मेरे सारे प्रॉफिट को खाने के लिए? 17 पॉइंट या नहीं? 17 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट को खाने के लिए, यही तो पॉइंट हुआ कि नहीं? दूसरा पॉइंट, मार्केट में मेरे को और स्टॉक बाय करने के लिए मैंने स्पेयर कर दिया अपना अमाउंट या नहीं? मैं बाय कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, नीचे आएगा तो मैं और बाय कर दूंगा। तो मार्केट को अभी हम छोड़ सकते हैं, बाय के लिए इसको छोड़े रहते हैं, राइट। अब इसी बेस पर किसी और स्टॉक को देखते हैं, आप एंट्री बना सकते हैं ऐसे किसी स्टॉक में या नहीं बताए? यस सर। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी हमने क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले, प्लीज बताएं, जब निफ्टी यहाँ आ रहा था क्या बात करी थी? हमें क्या ढूंढनी है? बाय, बाय ढूंढनी है, हमें सेल नहीं ढूंढनी, क्योंकि मार्केट किस पैटर्न में है? बाय के पैटर्न में, राइट। मार्केट सारे पैरामीटर हमें बाय के बोल के बैठा है, तो मेरे को सेल नहीं ढूंढनी। तो बाय किसके ऊपर होगी? इसके ऊपर हमने बात करी थी बाय की, राइट, जब सुबह मार्केट खुल रहा था। अगर मार्केट नीचे आता भी, यहां तक भी आ जाता, तो भी मैं बाय करता, तब भी मेरे को बाय ही ढूंढनी थी। देखो मार्केट बाय बना के बैठा है, अभी मेरे को सेलिंग का सिनेरियो नहीं बना है। जब मार्केट यहां से नीचे आया होगा, आप चाहो तो एक मिनट में जाके चेक भी कर सकते थे कि मार्केट सेलिंग में तो नहीं आ गया। ये देखो एक मिनट, जब तक कम से कम सेलिंग एक मिनट की तो आएगी या नहीं आएगी? कम से कम, छोटे से छोटा एक मिनट तो सेल दे मेरे को बाहर निकलने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बाय किया, देखो 30 तारीख को अगर आपने बाय किया था और मार्केट ने अपना बाय उठा लिया है, तो आप कब तक इसमें बने रह सकते हो इस सेटअप में? जब तक मिनिमम से मिनिमम इन दोनों के नीचे ना आ जाए, तब तक बने रह सकता हूँ कि नहीं? अभी मेरे को पता नहीं है कब तक मार्केट ऊपर जाएगा, मैं जानता ही नहीं हूं। यस या नो? यस हो सकता है या नहीं? यस सर। तो केवल ये पॉइंट है जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हो। हाँ जी बोले सर। एक चीज जो मेरा, ये सेटअप तो बहुत बढ़िया लगा और सही चीज चल रही है। एक दफा इसी के साथ में डबल क्लाउड के अंदर हमारे को क्या क्या देखना है वो बता दो यहीं पे। डबल क्लाउड, देखो डबल क्लाउड के अंदर आपको केवल एक छोटा सा काम करना है कि हमने कौन सी क्या करना है उसमें केवल एक काम करो कि वो आपके पास हमने डबल क्लाउड जो लगाया था उसके अंदर बड़े क्लाउड की कन्वर्जन बेस लाइन थी, हाँ या ना? ठीक, बड़े क्लाउड की कन्वर्जन बेस लाइन, बस केवल वो रख लो, छोटे क्लाउड की जगह एटीआर और मूविंग एवरेज को लगा ले तो सेटअप चल जाएगा ना? ये आराम से चलाओ, ये सब आराम से चलेगा आपका बिल्कुल। अब देखो मेरे को कंफर्मेशन ही तो चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मेरे को ये दे रहा है, बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन आपको क्लाउड दे देगा या नहीं? वहां से आप आराम से चल सकते हो, आराम से बाय करके चलो, वहां पर चला देगा आपको मार्केट। यस सर, गाइड कर दो सर। एक मिनट दीजिए जरा, फिर ठीक है मैं इसकी पहले सेटिंग यहाँ पर लगा देता हूँ, तब बताता हूँ। ये देखो जैसे ही ये आपके पास राइट है, ये देखो ये आपको निफ्टी दिख रहा है इस समय। निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो इस समय देखो आपका ये हो गई कन्वर्जन लाइन और ये होगी बेस लाइन, हो गई हो गई। मार्केट आपको क्या बोल रहा है? मार्केट जिसके ऊपर ही आपको बाय बोलेगा ना कि इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही बाय करना है। मार्केट आपका नीचे आया होगा, नीचे आया होगा कहां तक आएगा मार्केट? देखो जब इन दोनों लाइन के नीचे आ जाएगा तो मार्केट सेलिंग में शुरू हो जाएगा, दोनों लाइन के नीचे सेल में आ जाएगा मार्केट। अगर मैं यहां पर दिखाऊं पीछे आया भी होगा कहीं पर सेलिंग में, कोई भी पॉइंट आप लगा लो, कोई भी यही उठा लो राइट। कभी भी मार्केट अगर इन दोनों लाइन के नीचे आएगा तो सेलिंग शुरू हो जाएगी और तब तक मार्केट बाय में नहीं जा सकता जब तक इन दोनों लाइन के ऊपर ना आ जाए, राइट है। कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं अभी, पर कोई इशू नहीं है, अभी वो टाइम नहीं आया हमारा सीखने का। मार्केट इन दोनों लाइन के ऊपर देखो सेलिंग में नहीं है ना, साइडवेज बना के बैठा है लेकिन सेलिंग नहीं है, इन लाइन के नीचे ही सेलिंग होगी। तो आप अभी बाय की साइड में रह सकते हैं,
जैसे एपीआर अगर आपको बाय बोले, बाय में जा सकते हो, राइट है। अभी भी देखो मार्केट आपको क्या बोल रहा है, क्या सेलिंग बोल रहा है? नहीं नहीं भाई, ये दोनों सेटअप भी भाई बोल रहे हैं सर, दोनों छोटा बड़ा सेटअप में दोनों। बाय है तो मैं क्यों जबरदस्ती बाय करूं, सेल करूं, राइट है। तो थैंक। अभी हमने, अभी इसमें क्या किया, ये वाला हमने छोड़ा हुआ एचडीएफसी का, पर एचडीएफसी की बाय आ गई क्या? अभी तो नहीं आई बाय, राइट। बाय आने में अभी भी टाइम लग सकता है या नहीं बताओ? यस सर। पर क्या मेरे को अभी सेल कर देनी चाहिए ये बताओ? नहीं, सेलिंग तो नहीं है ना मेरी अभी मार्केट। अब अगर देखो, अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको फिर से याद है, अभी हो रहे हैं 10:04, राइट। मैंने आपको बोला 10:15 पे कैंडल कहाँ घूमती होनी चाहिए, यहीं घूमती होनी चाहिए इन क्लोजिंग के लिए, राइट है, और या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, दोनों में से अच्छा कौन सा, ये भी मैंने आपसे पूछा था, अच्छा कौन सा, ऊपर क्लोजिंग करना है या नहीं? सबके ऊपर ही क्लोजिंग कर दे तो बेस्ट बाय है, फिर आप आराम से बाय पे चल लोगे। लेकिन मार्केट अगर अभी यहाँ क्लोजिंग करता है तो देखो हाई को क्रॉस नहीं किया, मार्केट थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाएगा या नहीं है फर्क, अगर यहाँ क्लोज करता है तो, ये दोनों में फर्क रहेगा। तो आप चाहो तो किसी भी तरीके से इसको जजमेंट कर सकते हो। अगर मैं इसे क्लाउड बेस पर बोलता हूँ, देखो आपको क्लाउड बेस पर दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अगर मैं क्लाउड बेस पर इसकी बात करता हूँ, जो हम वही काम करते हैं, क्लाउड बेस पर मार्केट कहां पर है जरा बताएं, हो गया बाय में? जरा डे में हमने क्या चेक किया था जरा बताएं, डे क्या बोल रहा था? अभी अभी हमने क्या बात करी थी कि ये मार्केट अभी ग्रीन हो जाएगा बोला था, क्योंकि ये सारा सेटअप हमारा बाय का है, सेटअप बाय का है, तो इस कैंडल को ग्रीन होना ही था। अब मेरे को बताएं, जैसे ही ये इसके बाहर निकलता है तो क्या होगा, एक शूट मिलेगा आपको? पिछले हाई जैसे ही के बाहर निकलेगा तो आपके पास एक शूट है मार्केट का, और कौन सा पॉइंट है वो? यही है क्लाउड का पॉइंट, मार्जिन पॉइंट यही है। मार्केट थोड़ा और टाइम क्यों डिले कर सकता है, जरा डिले टाइम चेक करिए, अभी कन्वर्जन लाइन अभी अंदर ही है कि नहीं है? कन्वर्जन जी सर, तो मार लाइन अभी अंदर ही है, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज फॉर्म कर भी सकता है, अभी अगर चाहेगा तो साइडवेज फॉर्म कर सकता है। अगर मैं इसे घंटे भर में देखूंगा तो घंटे भर में देखो मार्केट ऊपर चला तो है, चला तो है, मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए बाय के लिए, अभी चीता उसपे बहुत दूर है, राइट। जी सर, तो बाय बैठी है यहां पर। आप अगर मेरे को बाय करनी थी तो मेरा पैरामीटर चेक करो, पैरामीटर में सारे में ये देखो मार्केट नीचे आया, मेरे को कब से बाय शुरू करनी थी, मतलब नीचे रेड से कर देनी थी या मिनिमम किसके ऊपर जाए, ओपन के, कम ओपन के ऊपर से सर। कम ओपन के ऊपर बात करनी थी मेरे को या नहीं, राइट है। तो अब अगर बात करेंगे तो हम ओपन के ऊपर बात करेंगे, जब कभी भी आपको बाय करना है तो आप ओपन के ऊपर बाय कर लो, ओपन के ऊपर बाय करोगे तो आपको बाय मिल जाएगी। अब देखो मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे इसकी क्लोजिंग कहां पर होनी चाहिए, यहां पर, या तो यहां क्लोज कर दे या यहां क्लोज कर दे। अभी भी हमारे पास 10 है, मार्केट इतनी देर में, 1 घंटे में, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है मैंने बोला था कि मार्केट जब यहां पर था रेड बना के बैठा था, ये पूरी कैंडल रेड थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट कहां पर क्लोज कर दे, अपनी कैंडल के मिड पोर्शन के ऊपर, राइट, यहां क्लोज कर दे, या उससे पहले मैंने बोला था मार्केट ग्रीन करके ऊपर क्लोज कर दे, ये बात करी थी हमने या नहीं, राइट है। तो दोनों में से मार्केट ने क्या किया, यस बताएं, दोनों में से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ग्रीन करके ऊपर क्लोज करने की तैयारी में है या नहीं? लेकिन गलत मार्केट क्या करेगा, अगर इस तो गलत मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट आके नीचे ही क्लोज कर दे तो क्या होगा, फिर वही मारामारी शुरू हो जाएगी कि नहीं? देखिए तो अब के 10:15 तक मार्केट को क्या करना चाहिए और क्या करने की तैयारी में है मार्केट, देखो क्या हुआ जरा बताएं। अगर हमने पूरे स्टॉक रखे होते, अगर पूरे स्टॉक रखे होते तो मार्केट क्या करता, मार्केट मेरा पूरा ये प्रॉफिट खा गया होता या नहीं, खा गया होता, राइट है। अब मार्केट दोबारा से बाय में चलेगा तो हम यहां से नीचे से कुछ और बाय भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो नीचे से कुछ और बाय भी आप यहां से कर सकते हो। देखो यहां से अगर आप चाहो यहां से 10:05 और बाय कर सकते हो, ये देखो मैं यहां से बाय कर देता हूँ तो अब मेरे हो गए 20, राइट है। अब मार्केट अगर ऊपर चलेगा, इसकी क्लोजिंग कहां पर होनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, अभी भी टाइम है, अभी कितने हो रहे हैं 10:09, कितने कितना टाइम हमारे पास है अभी, 6 बचे,
सिक्स मिनट में मार्केट को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए ना, होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन होनी चाहिए। फिर मैं होनी चाहिए, रूल बुक यही बोलती है कि मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग करे। वेट करते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। राइट है, दूसरा स्टॉक एस्ट्रल के लिए जैसे बोल रहे हैं तो एस्ट्रल को भी देख लेते हैं। एस्ट्रल आपके पास क्या कर रहा है? एस्ट्रल को अगर हमने टाइम फ्रेम वही रखा है, हम टाइम फ्रेम को चेंज नहीं कर रहे। एस्ट्रल कहां पर है, बाय में सही गया या गलत गया ये बताएं। सेटअप के हिसाब से मार्केट एस्ट्रल जो है वो बाय में सही गया या गलत गया? सही गया, सही गया सर। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर बाय कहां पर होनी थी? बाय इसके ऊपर थी, राइट। यहां भी कर सकते थे या फिर बाय में अभी अभी मार्केट आया, ऐसे भी बोल सकते हो, हाई को ब्रेक कर रहा है। अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग हो जाती है तो अगली कैंडल बाय में जा सकती है यार, लेकिन ये जरूर देख लेना कितने पॉइंट इसने लगाए हैं। 2023 से 2090 अच्छे खासे पॉइंट मूव किए हैं इससे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि बड़ी कैंडल बनाई है इस पे और इसका रेजिस्टेंस ऊपर है, ये इसका रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अराउंड 3000 के, 2100 के आसपास रेजिस्टेंस है इसका, तो हल्का सा क्लोजिंग कर लेने दो फिर ऊपर चलना। ये एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होगा या नहीं बताओ? 70-80 पॉइंट का डाउन ले आप ले चुका है, तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके तब ऊपर जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो एकदम से बाय मत करना, बड़ी कैंडल है, मारुबोजो टाइप है कि नहीं है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर आपको किसी को याद है, देखो इसके नीचे विक नहीं है, क्या मतलब था? कोई विक नहीं है, ऊपर जाएगा सर। जहां पर विक नहीं होगी वहां पर एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है, मार्केट वहां से बड़ा मूव ले सकता है और यही मार्केट करेगा। यहां पर देखो मार्केट ने बड़ा मूव लिया 70-80 पॉइंट का, अब एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, तो हम इसे बाय की साइड में नहीं लेके जाएंगे। अभी देखो 10:11 हो गए हैं। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है कि सर अगर कोई स्टॉक को इंट्राडे के लिए हम लोग क्रैक कर रहे हैं तो सर कब तक, मतलब कौन से टाइम तक हम लोगों को देखना है, लेकिन अगर उसके भीतर आ जाए तो ट्रेड ले, नहीं तो छोड़ दे। देखो आपको जो स्टॉक है बाय में की, अभी अभी मैंने बताया बाय में कब तक आ जाना चाहिए, 10 या 11 बजे, बस इतना ही। अगर इस टाइम तक स्टॉक मतलब बाय में आ गया तो आ गया, नहीं तो इसके बाद मार्केट के बाय में आने की पॉसिबिलिटी 50-50 है, राइट है। मार्केट तीन टाइम चेंज होता है, तीन टाइम चेंज होता है, एक तो 9:15 डायरेक्ट, 9:15 वो ऑर्डर लग रहे होते हैं तब मार्केट शूट करता है ऊपर नीचे या नहीं एकदम से, पहला पॉइंट। दूसरा मार्केट में अगर आप देखोगे तो 11 बजे चेंज होता है, 11 बजे चेंज करता है मार्केट, और तीसरा चेंज करता है 1 बजे से 2 बजे के बीच में, भाई ये तीन चेंजेस होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मार्केट के तीन स्लॉट बनते हैं, दो दो घंटे के तीन स्लॉट बनते हैं, पहले 9:15 से और 11:15 तक, 9:11:15 तक, ठीक है। दूसरा है आपका 11:15 से और 1:15 तक, राइट है, और तीसरा है आपका 1:15 से 3:15 तक। ये तीन स्लॉट आपके बनते हैं जो कि बाय के स्लॉट होते हैं, मतलब मार्केट के रिवर्सल के स्पॉट होते हैं। सुबह सुबह रिस्की ट्रेड होता है, लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि भाई आपका 11 बजे के आसपास तक मार्केट चेंज हो सकता है, 11:15 वही टाइम है। अगर चेंज हो गया तो हो गया, नहीं तो इसका चेंज का टाइम है 1:15-1:30 के आसपास, हो सकता है इसमें चेंज कर जाए मार्केट। तो ये तीन चेंज है जहां पर मार्केट मूव करेगा। आप चाहो तो पहले 2 घंटे ट्रैक कर सकते हो, 9:15 से 9:15 क्या कर रहा है, 11:15 के बाद मार्केट क्या कर रहा है ये भी ट्रैक कर सकते हो, 1:15 के बाद मार्केट क्या कर रहा है ये भी ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं देखता हूं तो मेरी ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, ऊपर क्लोज होनी चाहिए अभी भी या नहीं, 13 हो रहे हैं, 2 मिनट और है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर गया तो इश्यू होगा मेरे को, क्योंकि फिर मार्केट एक डाउन साइड हल्का छोटा मोटा पकड़ सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं 2 मिनट बाद कहां क्लोजिंग करता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ये क्लोजिंग। तो जब कैंडल करते हो तो कैंडल के साथ में ये बहुत जरूरी है कि मार्केट क्लोज कहां कर रहा है। अभी भी मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी अगर नहीं भी करता उसके ऊपर क्लोज तो कम से कम एटीआर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, कहीं पर भी कर दे मगर एटीआर के ऊपर क्लोज करे तो मार्केट एटीआर बाय में आ जाएगा। अच्छा ये क्या एटीआर बाय में आ चुका आपका?
अभी नहीं आया ना, अभी नहीं आए तो इसलिए अभी हम बाय नहीं लेंगे। बाय थोड़ा सा, हालांकि वो चल रहे होंगे मेरे ट्रेड, आप देखो यहाँ पर पड़े होंगे ट्रेड, मैंने इसको हटाया नहीं। आज देखो हमने, अच्छा आज हमने क्या खूब सारे ट्रेड दिए, यस और नो? एक ही ट्रेड के अंदर हम 1 घंटे से बैठे हैं कि नहीं? ऐसा हो सकता है या नहीं बताओ? कि ए, मैंने आपको दोनों तरीके भी दिखा दिए, इतनी देर तक तो मैं 3-4 हजार रुपए निकाल देते हो या नहीं? निकल जाते इतनी देर तक, इसी 1 घंटे में? लेकिन इस 1 घंटे में हम एक ही स्टॉक को पकड़े बैठे हैं और केवल 150 रुपए निकाले हमने, मायने रखता है कि नहीं बताओ? लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है समझो? जो 3-4 हजार रुपए आप निकालते हो और 1 घंटे में निकाल डालते हो उसमें, और आपने 1 घंटा डिस्कशन किया और उसमें आपने 150-160 रुपए निकाले, दोनों में फर्क क्या है? इसमें नॉलेज ज्यादा होगी या नहीं? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमने यहाँ पर 1 घंटा रुके हैं तो हमने कई सारी चीजें समझी है कि नहीं? इसमें प्रॉफिट नहीं मिला देखो हमें, लेकिन हमने बहुत कुछ समझा ना। जबकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन यह समझने का टाइम हमारे पास कम होता है ना, वही बात समझ रहे? तो आज हमने कुछ भी नहीं किया, देखो हमने 150 रुपए निकाले, कोई कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन हमने सीखा बहुत कुछ आज, सीखने को हमें बहुत कुछ मिला आज। और ये अगर आप सही तरीके से देखो कहाँ क्लोज हुई कैंडल, जरा देख ले, यस कहाँ पर क्लोज हो गई कैंडल, ऊपर ऊपर सर, या नीचे? ऊपर ऊपर क्लोज सर। हो गई, तो सर ट्रेडिंग व्यू ये में सर अच्छा है या बुरा? एटीआर, एटीआर के ऊपर है और एटीआर भी बन गया या नहीं बन गया? सर ट्रेडिंग व्यू में बन गया। नहीं, इसमें भी बन गया, ये देखो नीचे आ गया, बाय बन गया या नहीं बन गया बताओ? बन गया, तो अब हमारा बाय निकल चुका। जी सर, अब हाई के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। मैंने आपको बोला कि नीचे नहीं खुलना चाहिए मार्केट को, या क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम बाय कर सकते थे। अब देखिए मार्केट चला ऊपर की तरफ, तो अब हम आराम से अपनी बाय के लिए चल सकते हैं। लेकिन बाय का पॉइंट कौन सा है, कोई भी बताए, बाय का पॉइंट अभी भी कौन सा है? हाई के ऊपर या नहीं? आगे ऊपर सर। हाई के ऊपर है, राइट है। हम अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहां से, राइट? 10 क्वांटिटी अभी के ऊपर चलेगा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा और बुक कर लूंगा, इसको चलने देते हैं। 31 हो रहा है, 32-33 के आसपास जाएगा, एक जब और लगाएगा। एक वो मार्केट में अगर बुक करते हो ना, तो बुक करने का तरीका एक समझो, वो बता देता हूँ जी आपको। ये प्राइस दिख रहा है इसका, 31 दिख रहा है, ठीक है? ये मार्केट जब ऊपर क्लिक करता है और ये प्राइस बढ़ता है, तो वहां पर आप मार्केट में क्लिक करना, वो भी एक तरीका होता है मार्केट पे ऑर्डर पे क्लिक करने का, राइट है? और वो भी उसमें भी एक पॉइंट है, जब कैंडल ऊपर रुक जाए। ये देखो ऊपर जाके, अगर आपको ये केवल सिंपल सा पॉइंट है, देखो मार्केट ऊपर जाके वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर जा रहा, वापस आ जा रहा। जहां पर ऊपर जाके रुक जाए वहां पर 1 सेकंड के लिए, वहां पर अपना मार्केट ऑर्डर क्लिक करना, अगर मार्केट ऑर्डर में जाना चाह रहे हो तो, राइट है? या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये आप लगा लो 1532, 1532 पे अपना ऑर्डर भी लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है? 1532 पे अपनी क्वांटिटी लगा के छोड़ दो, देखो ये ऐसे करके, राइट है? यहाँ लगा दो, या फिर आप मार्केट ऑर्डर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल सकते हो। देखो आप चाहो तो 5-6 क्वांटिटी यहाँ निकाल दी आपने, और ये ऊपर है 33 पे, 34 पे आपने 5 क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दी, लगा दो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा तो आपको मूव देके चला जाएगा। देखो 5 मैंने यहाँ निकाल दी, 5-10 जो भी आप चाहो यहाँ पर लगा सकते हो, मर्जी आपकी, कैसे भी आप काम कर सकते हो। लेकिन अब मार्केट बाय में आया, लेकिन एक बार बताएं, मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन एटीआर की तरफ को ले सकता है या नहीं? लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो बियरिश हो जाएगा। और हमारा बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा था, 1 डे का, 1 डे का बोल रहा था कि मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज बना सकता है, राइट है? ये भी हो सकता है कि मार्केट तेजी से मूव करे और आज का टारगेट ये निकाले, ये पॉसिबल हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में मूव करे, यहाँ पर टारगेट निकाल दे। इसके जरा बायर सेलर चेक कर ले, अगर बायर सेलर चेक करना चाहे तो, बायर सेलर क्या बोल रहे हैं, क्या अभी बाइंग आ रही? नहीं सर, अभी तो रुकी है मार्केट में बाइंग, राइट है? तो आपको थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए। बाइंग बन रही है, बाइंग बन रही है, लेकिन अब ये सेलर टूटने जरूरी है कि नहीं है? सेलर टूटने जरूरी है, तो
तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेलर कम हो रहे कि नहीं, देखो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखो आराम से आप चेक करो, ये बढ़ने चाहिए, ये 4 लाख है और ये आपके पास हो गए 11 लाख, तो अब आपका ये कम होने चाहिए और ये बढ़ने चाहिए कि नहीं अगर बाय में जाना है तो? यस, ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये कम हो रहे हैं तो मार्केट आराम से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, वेट करना, थोड़ा सा वेट कर ले मार्केट को, मार्केट खत क्या रहा है, वहां से आप अपना बाय उठा पाएंगे, बाय है मार्केट का, लेकिन अब ये सेलर टूटने जरूरी है, सेल करके बैठे होंगे कि नहीं ये सारे लोग? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ जी कॉन्फर्मेशन के सर एक पॉइंट था कि अगर हम मूविंग एवरेज के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे हाई के पास, तो अगर हम 5 का मूविंग एवरेज लगाएंगे, अगर जब 5 का मूविंग एवरेज हाई को क्रॉस करेगा तब हमारा बाय बन जाएगा ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 5 का तो आप यूज कर ही सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है, वो तो कभी भी मैंने बोला आप यूज कर सकते हो, कह रहा हूँ राइट ना, 5 का तो बहुत ही अच्छा है, 5 का तो बहुत ही अच्छा है, 5 के मूविंग एवरेज ने देखो आपको कई जगह बचा दिया होगा, देखो दिखा देता हूँ, 5 के मूविंग एवरेज ने आपको बहुत जगह बचाया होगा और मैं लगा के दिखा भी देता हूँ इसको, 5 का मूविंग एवरेज ठीक है, बहुत बचाता है, बहुत जगह आपको बचा के छोड़ देगा वो, तो ये देखो इस पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखो आपको कैसे बचा रखा 5 के मूविंग एवरेज ने, देखो कैंडल नीचे आई कि नहीं आई, आई, ये देखो अच्छी खासी नीचे आई, कोई भी मार्केट में सेल करना शुरू कर देता, लेकिन इसने मना किया हुआ है ना, अभी सेलिंग नहीं है, क्रॉसओवर नहीं आया ना, राइट सर, इसमें यही तो होता है बचाना, और क्या होता है, आपको अलग से आके थोड़ा ना बोलेगा कि भाई आप किनारे हट जाओ, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है, रोड सेफ्टी थोड़ा चल रही है यहाँ पर, केवल बचाने का मतलब ये क्रॉसओवर नहीं करेगा, आपको अपने आप समझ जाना है कि कुछ मेरे को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अभी मेरे को सेलिंग में नहीं जाना है, अगर यहाँ पर घंटे भर में देखता हूँ तो देखो मार्केट बाय में बैठा है, इसको मूव करना है ऊपर, लेकिन मूव करने के लिए कौन सा पॉइंट है जहां पर मूव करना है, इसके ऊपर करना है मूव या नहीं? यस सर, और मार्केट यहां तक एक दो बार साइडवेज निकल सकता है, एक बार मार्केट इसके ऊपर निकला फ्री हो जाएगा, फिर मार्केट मूव करेगा पूरा, तो अभी थोड़ा सा पॉइंट ऊपर मार्केट वेट कर सकता है, यहां पर साइडवेज है, आप चाहो तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ में छोड़ सकते हो कि नहीं, ये टारगेट लगेगा कि छोड़े रहो, राइट है, इसको ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे का टारगेट कम कर दो, ये नीचे का टारगेट कम कर दो और ऊपर का टारगेट बढ़ा दो, ऐसा क्यों किया बताएं, कोई बताएगा ऊपर का टारगेट क्यों बढ़ा रहे हैं, नीचे का कम क्यों किया ऊपर का बढ़ाया क्यों, कोई बता सकता है? सर ऊपर जाने के चांसेस, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, पहली बात नहीं, इसमें एक पॉइंट और भी है जो आपके समझने का है, पॉइंट आपके पास ये है कि देखो अगर मैं यह मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम यही बुक हो जाएगा ना, राइट है, यहां पर मैं कम क्वांटिटी के साथ में प्रॉफिट बुक करूंगा तो यहाँ प्रॉफिट भी कम होगा मेरे को, राइट है, अगर मेरे को उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहां से टकरा सकता है तो आप क्या करोगे, यहां पर अपना प्रॉफिट करोगे थोड़ा सा कम बुक और यहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर दोगे, थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ोगे जो कि ऊपर जाएंगे, राइट है, अगर मार्केट यहां पर मेरा प्रॉफिट बुक करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेगा, राइट है, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको लगता है आपकी क्वांटिटी कम है तो पहला प्रॉफिट कम दूसरा प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो पहला प्रॉफिट ज्यादा दूसरा प्रॉफिट कम, ये पॉइंट समझे, शायद समझ पाए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, राइट है, तो आप चाहो तो इसको पार्ट को अपने लिए यूज कर सकते हो, मार्केट अभी बाय में नहीं आया है, अभी मार्केट सेलिंग में भी नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं, अब एक पॉइंट और नोट करो, यहां पर ही काम का पॉइंट है, ये जो एटीआर की लाइन है क्या आपका 5 का मूविंग एवरेज इसे क्रॉस कर गया? नहीं सर, अभी नहीं किया, नहीं किया, तो ये 5 का मूविंग एवरेज आपको ये भी बताएगा कि भाई अभी 5 अगली 5 मिनट की कैंडल ऊपर जा सकती है या 1 घंटे की कैंडल ऊपर जा सकती है, बोल रहे, और मार्केट अपने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा है तो बाय का मार्केट है, यस सर, सही डायरेक्शन है सर, सही डायरेक्शन में, तो सेलिंग आपको करनी नहीं है तो अभी बैठे रहो आराम से, राइट है, अभी हमने देखो अपना प्रॉफिट, हमारा कुछ नहीं, आज प्रॉफिट कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने दिल खोल के काम तो किया कि नहीं, 1 घंटा बैठ के सिस्टम पे, राइट ना, प्रॉफिट बड़ा नहीं हुआ, प्रॉफिट हमने 150 रुपए किया, हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, वो एटीआर के ऊपर अगर मूविंग एवरेज 520 और 50 तीनों अगर क्रॉस किया तो क्या बहुत हाँ, अच्छा मूव दे सकते हैं एक ही अच्छा टाइम, मूव दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इश्यू क्या है, तीनों एक साथ क्रॉस नहीं करेंगे,
तीनों एक साथ क्रॉस ऊपर नहीं करेंगे, राइट है? मोस्ट प्रॉबली या तो आपका 5 का निकलेगा या 10 का भी क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन तीनों अक्सर एक साथ मूव नहीं देते, तो उसके लिए अगर हम वेट करेंगे तो बहुत देर हो सकती है, राइट मैम? अगर देखो इस समय मैं सारा हटा देता हूँ, देखो मैं सारा एटीआर हटा दिया मैंने, देखो ये मैंने एटीआर हटा दिया और ये मैंने 5 का मूविंग एवरेज भी हटा दिया, सीपीआर भी हटा दिया और मूविंग एवरेज 20 का छोड़ देते हैं, राइट? या चलो पूरा लगा देता हूँ एक बार। अगर मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पर लिया है और मैंने मूविंग एवरेज 50 का लिया, ये रहा 50, राइट है? इसके साथ मैंने मूविंग एवरेज लिया है 20 का, जो हम बात करते हैं, ये मैंने 20 पूरे महीने का मूविंग एवरेज के साथ में बात कर रहा हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, राइट? इसके साथ में बात कर रहे हैं और तीसरा मैं बात कर रहा हूँ कौन सा मूविंग एवरेज, यस 10 वाला, 10 वाला कर ले या 5 वाला कर ले, दो 10 वाला भी कर ले, 5 वाला भी, जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। आप जरा मेरे को ये बताएं क्या तीनों एक साथ क्रॉस कर रहे हैं अभी, लेकिन एटीआर तो ऊपर बैठा होगा कि नहीं? देखो मैं इसमें बोल रहा हूँ, देखो ये एटीआर है, एटीआर में लगा के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं एटीआर लगा रहा हूं तो एटीआर अभी मेरे को पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं? पहले तो नहीं दे रहा था, क्या सारे एक साथ क्रॉस कर रहे हैं प्लीज बताओ? नहीं ना, सारे एक साथ क्रॉस नहीं हो रहे ना। आप देखो ये तो क्रॉस यहां पर दे चुका मेरे को नीचे, और एटीआर यहां क्रॉस हो रहा है, दोनों में चेंज है कि नहीं है? तो अगर मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पर बाय में जाए और तब ये एटीआर भी सारे क्रॉस हो रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है ना, मेरा पॉइंट समझ पा रहे? हाँ ये जरूर चेक कर सकते हो कि ये जरूर क्या चेक कर सकते हो, जब आपका एटीआर बाय बोल रहा है तो उस समय इनकी सिमेट्री राइट हो, सिमेट्री राइट हो, दैट मीन्स ये 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये 50 हो गया, सिमेट्री राइट है कि नहीं है, ठीक है? आप चाहो तो यहां पर 5 का मूविंग एवरेज अगर यूज करना चाहो तो जैसे करते हो, देखो हमारा एक टारगेट उसने हिट कर दिया, ये देखो बाय में जाएगा अभी, इसके ऊपर निकलेगा बाय में यहां से, ये देखो आपका प्रॉफिट भी हो रहा होगा अभी या नहीं? हमने आज कुछ ज्यादा नहीं किया, आप समझो पूरे एक घंटे में हमने 200 रुपए कमाए हैं। अगर किसी को जाके बोलोगे हमने घंटे भर में 200 रुपए कमाए तो क्या बोलेगा आपको बताओ? कुछ भी नहीं ना, मन मन में हंसेगा कि नहीं बताओ? एक ट्रेडर, अब आप सोचो एक ट्रेडर जो भाई 5 से 6 हजार रुपए क्लास में निकाल देता है, 3-4-5 हजार रुपए, वो पूरे एक घंटे में केवल 200 रुपए निकाल रहा है, तो क्या फर्क होगा बताओ? गलत है? लेकिन इसके साथ में नॉलेज जुड़ी भी है बहुत बड़ी कि नहीं? जितनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं आप समझो उतनी नॉलेज अगर आपको मिल जाएगी तो पूरे तर जाएंगे कि नहीं, आप बताओ? अगर पकड़ लिया हमने उस नॉलेज को तो आप आराम से ट्रेड को निकाल के ले जाओगे। तो आज हमारा कंक्लूजन क्या है आज की ट्रेडिंग का, आज का हमारा समराइज करें तो आज हमारी समराइज हम कैसे करेंगे इसको, हम बोलेंगे कि हमारा पास एक सेटअप होना चाहिए, ये बात करी थी हमने, हमारे पास सिंगल सेटअप है, जब कभी भी सुबह आएंगे तो हम सिंगल सेटअप के हिसाब से ट्रेड को एनालाइज करेंगे, यही बात कर रहे थे। देखो ये बाय करेगा, ये देखो टारगेट हिट होगा हमारा अभी जाने वाला है, देखो गया टारगेट, बस ग्रीन के बाद एक टारगेट एक टिक करेगा और ये टारगेट भी हिट कर जाएगा, देखो आपके सामने ही होगा टारगेट हिट, ठीक है? क्योंकि इसे बाय में जाना ही है, हमारे सेटअप के हिसाब से आ रहा है तो हमारा सिस्टम के हिसाब से बाय में है और अभी ये टारगेट हिट करके ऊपर निकलेगा। अब देखो ये रुक गया, आप चाहो तो कैंडल देख सकते हो, ये देखो रुक गया, जब ये रुक जाता ना तो मार्केट ऑर्डर डालना चाहिए, देखो ये अब ये चला गया होगा, आवाज आ जाएगी यहाँ पर और ये हट जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी कुछ बुक कर दिया होगा इसने, देख लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है, देखो 229 के आसपास का प्रॉफिट ये भी गया, देखो 236 पे अब हमारे चले गए, 10 स्टॉक बचे हुए, इन 10 स्टॉक को हम रख सकते हैं कि नहीं बताओ? रख सकते हैं, राइट है? मार्केट क्या हमारी पोजीशन क्या अब ऊपर निकल रहा है, हमें इसे रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ? सर रख भी सकते हैं सर इसको, रख भी सकते हैं इसको, ठीक है? आप चाहो तो इसे डे में जाके चेक करो, डे में अगर मैं जाके चेक करता हूं तो अब मेरा बाय बोल रहा है, बाय बन रहा है, और इसका मिनिमम टारगेट क्या है, मिनिमम टारगेट ये वाला है या नहीं है? तो मेरे को अगर मूव मिलेगा तो कितने पॉइंट का मूव है, जरा इसको देख लेते हैं, अगर मार्केट यहां से मूव लेगा तो कितने पॉइंट का मूव लेगा, यहां से जहां से मूव है अराउंड 23 पॉइंट का, तो मेरे को लगभग 23 पॉइंट का मतलब लगभग 200 रुपए के आसपास और दे सकता है, इसमें पोटेंशियल है 200 रुपए और दे देगा,
तो लगभग हमें 400 रुपए यहाँ पर मिल सकते हैं, 238 मिल रहे हैं इस समय, 240 के आसपास मिल रहे हैं, और हम चाहें तो थोड़ा और प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं, राइट। मतलब मेरा कहने का मतलब छोड़ भी सकते हो, अभी अभी तो बाय में आया है कि नहीं आया, इसे कब तक छोड़ सकते हो? अब क्वेश्चन ये है कि इसे कब तक छोड़ा जा सकता है। अच्छा, उससे पहले क्या मार्केट ये जो डाउन की कैंडल है इसके 50% के आसपास आ रहा है? यस सर। बाय में आ जाएगा मार्केट? अगर मैं इसमें रहना चाहूं तो मैं कब तक रह सकता हूं? ये 1 मिनट है, 1 मिनट मेरे को क्या बोल रहा है बताएं। यस, इस सेटअप को हम हटा देते हैं, हमारा सेटअप ये नहीं है, ये सेटअप हमारा नहीं है, हमारा सेटअप कौन सा है? ये वाला, राइट है। और अगर हम 1 मिनट पे चले जाते हैं तो हमारा सेटअप हमें ये बता रहा है, राइट, क्या बोल रहा है मार्केट। अभी अभी दोबारा से मार्केट बाय में आ गया, आ गया, तो अभी हम अपने सेटअप के हिसाब से बाय में गए। हम सेलिंग में कब आएंगे? जब मार्केट इसके पिवोट के नीचे आएगा और इन दोनों के नीचे आएगा तो हम सेलिंग में आएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? तब तक हम बाय में ही बैठे हैं, राइट है। चले, मैं इसको हटा देता हूं, मेरा कोई काम है नहीं। तो हमने आज पूरे दिन में कितना पैसा निकाला? हमने बहुत कम पैसा निकाला कि नहीं निकाला? लेकिन एक बार बताओ, किसी के लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है या नहीं ट्रेडिंग में? पॉइंट समझ रहे हो? एक बिगनर के लिए, एक बिगनर के लिए ये पैसा निकलना बहुत बड़ी बात हो सकती है या नहीं बताइए। सर, यहाँ पर पैसे से ज्यादा नॉलेज का वैल्यू है। यस यस, यहाँ पर पूरे हमने घंटे भर में क्या किया? घंटे भर में हमने क्या किया? घंटे भर में पैसा नहीं कमाया, लेकिन हमने कमाया क्या? नॉलेज कमाई है कि नहीं? यहाँ पर हमने 1 घंटे की पूरी नॉलेज ली है, जिसमें हमें ये पता लगा कि एक सेटअप इंपॉर्टेंट कितना होता है। कभी मैं क्लाउड देख रहा हूं, कभी मैं मूविंग एवरेज देख रहा हूं, कभी मैं एटीआर देख रहा हूं, उससे अच्छा एक सेटअप पे काम करते हैं कि नहीं? सिंगल सेटअप, इसको आप रोज पूरे दिन लगा के रख सकते हो या नहीं बताओ? पूरे दिन लगा के रख सकते हो आप? पूरे दिन इसी सेटअप पे बाय कर सकते हो आप? अपना 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो मेरा बाय आ रहा है, राइट है। तो आप चाहो तो इसके साथ में बाय रख सकते हो, राइट है। तो चलिए, मैं आप क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है? फिर मिलते हैं यहाँ पर अगली वाली क्लास में। चलिए, मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।